नीट पेपर लीक को लेकर पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जालोली को दोष मुक्त यानी कि क्लीन चिट एसओजी के द्वारा दिया गया है, जबकि डीपी जालोली कई दिन तक फरार रहे, न मीडिया के सामने है न जनता के सामने है, और राज्य सरकार ने उनको दोषी मानते हुए तत्काल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बर्खास्त किया। सवाल यह उठ रहा है कि इतने दिन तक वो फरार क्यों रहे, सवाल यह भी उठ रहा है कि जो एसओजी क्लीन चिट दे रही है, एसओजी की यही बहादुरी नहीं है, बहादुरी की कई गाथाएं हैं। पूर्व में भी दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन का पेपर लीक हुआ, दिसंबर 2020 में जयन डिग्री का पेपर लीक हुआ, आज तक एसओजी ये पता नहीं लगा पाई कि पेपर लीक कहाँ से हुआ, किसने किया, कौन कौन दोषी है, प्रिंटिंग प्रेस से हुआ या बोर्ड से हुआ। इसके अलावा एसआई का पेपर लीक हुआ, उसके दोषियों को पता नहीं लगा पाई, और जो आरपीएससी में घूसकांड प्रकरण आया, आरएस भर्ती में सदस्य के नाम आए, कई कर्मचारियों का नाम आए, उसमें भी आज तक पता नहीं लग पाए। वही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सीएचओ में जो कांग्रेस सरकार से जुड़े पदाधिकारी जिनके स्कूल है वो लिख पाए गए, लेकिन अभी तक नए कानून के तहत स्कूल की मान्यता रद्द हो पाई है, नहीं संपत्ति जब्त हो पाई है, और नहीं उन लोगों को नए कानून के तहत आर्थिक उन पर दंड किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार कब तक युवाओं की मांगों को दबाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि जैन डिग्री का मामला हो, चाहे लाइब्रेरियन, चाहे रीट, चाहे कांस्टेबल, तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई को दे देनी चाहिए, क्योंकि गिरोह एक है, कई दिनों से उनको बचाया जा रहा है, एसओजी की नाकामियां में है, क्योंकि 2019, 20 और फिर 22 में जो तमाम भर्तियों में एसओजी नाकामियां हो पाई है, क्योंकि आज तक वो गिरोह को खत्म नहीं कर पाई है, नहीं खुलासा कर पाई है कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है, दोषी कौन है। ऐसे में अब कह रहे हैं कि डीपी जारोली जी पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष दोषी नहीं है, फिर दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, उनको बर्खास्त क्यों किया गया, वो लापता क्यों थे, मीडिया के सामने क्यों, तमाम सवाल प्रदेश के बेरोजगार सरकार से पूछ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। तब तक हमारा आंदोलन न रुकेगा, आंदोलन जन आंदोलन होगा और लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।